भिंड पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपियों से चोरी की 33 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। गैंग के सदस्य मोटरसाइकिल को चुरा कर उन्हें सस्ते दामों में बेच दिया करते थे। दरअसल भिंड की कोरमी थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को पकड़ा है। पकड़े गए चोरों से पुलिस ने 33 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। इन मोटरसाइकिल को चोरों ने मध्य प्रदेश के भिंड समेत उत्तर प्रदेश के इटावा समेत अन्य जिलों से चोरी किया था। यह चोर मोटरसाइकिल को चुराने के बाद इसे सस्ते में बेच दिया करते थे। चोर ग्राहकों को बताते थे कि यह मोटरसाइकिल बैंक से लोन लेकर खरीदी है, लेकिन लोन की किस्त नहीं चुका पाने के कारण मोटरसाइकिल को सस्ते दामों में बेचना पड़ रहा है। ग्राहक भी इस झांसे में आ जाते थे और चोरी की मोटरसाइकिल खरीद लिया करते थे। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इनका एक सदस्य अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। चोरी की मोटरसाइकिल से पुलिस द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में भिंड लिखकर ड्रोन से उसकी शूटिंग भी करवाई गई। टीम भारती न्यूज। ये पुलिस को कुछ जगहों से सूचना मिल रही थी कि कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो गाड़ियां चोरी करके अन्य जगह पर बेच रहे हैं। इसी तारतम्य में मेगांव एसडीओपी और पूर्वी पुलिस के द्वारा जानकारी जुटाई गई, तो उनको इसके विषय में एक सूचना मिली, जिसके आधार पर उन्होंने एक संदूही को राउंड अप किया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से एक मोटरसाइकिल मिली जो चोरी की थी। उसके साथ साथ फिर उसने अपने अन्य साथियों के नाम बताए। उनको जब पुलिस ने राउंड अप किया, 2 अन्य साथी जो थे, जिसमें से एक लोकल का था और एक जसवंत नगर यूपी का रहने वाला था, तो इनके द्वारा भिंड के साथ साथ अन्य जिलों से, यूपी के भी कई जिले हैं, इटावा, फर्रुखाबाद, सुखाबाद वगैरह से, इनके द्वारा जो है वो गाड़ियां चोरी करके ये कहकर इनको बेचते थे। ये पहले गाड़ियों को टारगेट करते थे, जो थोड़ी कम चली हुई नई गाड़ियां होती थी उनकी चोरी करते थे और फिर ये कहकर बेचते थे कि इसका जो खरीदार है उसने इसको लोन पर लिया था, किस्तें नहीं पटा पा रहा है और वो इसको बेचना चाह रहा है, तो इसलिए कम दाम में वो इसको बेचना चाह रहा है, ये कहकर वो लोगों को इसको खपाने का प्रयास करते थे। और इनके ऊपर पूर्व में भी इनके ऊपर अपराध पंजीबद्ध है, इनकी पुलिस जानकारी जुटा रही है। साथ ही साथ इसमें एक अन्य आरोपी भी है जिसकी जानकारी पुलिस को लगी थी, लेकिन वो अभी मौके से फरार है, उसका पता लगाकर उसको भी। सर, किस तरह से खपत करते थे गाड़ियों की? ये यही कहकर बेचते थे, बेचने का प्रयास किया जो इन्होंने कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को जिनकी हमें जानकारी मिली कि उसको ये बता के बेचते थे कि ये लोन पे ली हुई गाड़ियां हैं और जिनका मालिक, इनका खरीदार जो है वो इनकी किस्तें नहीं पटा पा रहा है और इसलिए वो जल्दी से जल्दी इनको कम दामों में बेचने के लिए खरीदार ढूंढ रहा है, ऐसा कहकर ये इसको बेचते हैं। ये गिरोह कहाँ का है? ये मुख्यतः यूपी का गिरोह है और इसके कुछ लोकल कनेक्शंस थे जिनके माध्यम से यहाँ पे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। सर, देखा जा रहा है भिंड, जो आपने गाड़ियों से भिंड लिखवाया गया है और जो ड्रोन उड़ाया गया है, क्या देना चाहते हैं, सीख देना चाहते हैं? यही है लोगों को इसके माध्यम से कि लोग अपनी गाड़ियों को लेकर सतर्क रहे, कहीं पे भी आते जाते हैं तो उसमें व्हील लॉक जो आता है उसको लगवाएं। व्हील लॉक को लगवाने से ऐसी चोरी होने की संभावना जो है वो काफ़ी हद तक घटती है। जैसा हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। निश्चित तौर पे पुलिस का भी काम है इसको रोकना और अगर चोरी हो जाए तो अपराधियों को पकड़ना, लेकिन जो गाड़ी के मालिक है, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो अपनी गाड़ी के लिए भी सावधानी बरतें और उसमें व्हील लॉक वगैरह लगाए तो ताकि गाड़ी चोरी होने की संभावना कम रहे। क्या ये बाइक भिंड जिले के नजदीक जिलों से भी चुराई गई? हाँ, भिंड के साथ साथ ये आसपास के यूपी से बॉर्डरिंग कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, इटावा, फिरोजाबाद वगैरह। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।